हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। मैं सिर्फ पूजा काजला और आज हम बात करेंगे ओबीजी के अगले टॉपिक की, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो लेबर के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है, व्हाट इज लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर, ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन एंड डिफरेंट इवेंट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर। तो लेबर का क्या मतलब होता है ये हम देख चुके हैं। दीज आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place in maternal genital organ to expel out the product of conception into external world। कि जो female genital organ में uterus till vagina जो भी events होते हैं, steps होते हैं, जो product of conception है fetus और placenta, उसको external world में लाने के लिए। फिर बात आती है mechanism of labor का क्या मतलब होता है। So these are the positional changes that occur in the fetal हेड। जो फीटस के हेड में मूवमेंट्स होती है, पोजिशनल चेंजेस होती है मैटरनल पेल्विस में एडप्ट होने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिटन एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है और एमसीक्यू तो इसमें से काफी आते हैं। सो इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम मेनली 7-8 स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप रहता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है व्हेन हेड ऑफ फीटस क्रॉसेस द पेल्विक इनलेट और वी कैन से द ब्रिम। जब वो उसको क्रॉस कर लेता है, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर लेता है फीटल हेड, हम बोलते हैं कि क्या हो गया, एंगेजमेंट। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल हेड क्रॉसेस द पेल्विक इनलेट। कब होता है एंगेजमेंट? प्राइमरी ग्रेविडा में, मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनके अंदर, मेनली 38 वीक्स पे और मल्टी पैरा में एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। हम कैसे क्लिनिकली इसको देख सकते हैं, ये मेनली 0 स्टेशन पे मींस इशियल स्पाइन के स्टेशन पे हम इसको मेजर करते हैं और फिर उसके बाद +1 to +5 तक हम देख सकते हैं कि कितना एंगेजमेंट हुआ है। देन बात आती है कि कौन कौन सा डायमीटर एंगेज होता है। तो ये हमने जब मैटरनल पेल्विस या फीटल स्कल किया था तभी भी देखा था कि जो ट्रांसवर्स डायमीटर रहता है वो जब लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर एंगेज होता है तो कौन सा रहेगा लार्जेस्ट, ऑब्वियसली हमने किस निमोनिक से देखा था, मिस टीना सो प्रिटी, तो असेंडिंग ऑर्डर में था, पी मीन्स प्रिटी से। सो बाईपैराइटल डायमीटर जब एंगेज होता है, या अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो उसके अंदर रहेगा कि कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है। अगर वर्टेक्स है तो सब ऑक्सीपिटो प्रेगमेटिक रहेगा और ब्रो प्रेजेंटेशन है तो मेंटो वर्टिकल, दैट इज 14 सेंटीमीटर है तो वो एंगेज हो रहा है एपिडायमीटर में, तो उस टाइम तो सिजेरियन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। या अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर रहेगा सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर। सो एंगेजमेंट हमें क्लियर हो चुका है। देन आती है सेकेंड स्टेप, दैट इज डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फीटल हेड। कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो चुकी है यूट्रस में तो फीटस का हेड क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शंस। बट एक टाइम तक जब वो नीचे जा रहा है तो जो मसल्स होती है मैटरनल पेल्विस में, दैट इज लेवेटर एनाई मसल्स, टच करता है, टकराता है, वो उसको वापस से पुश बैक करती है रेजिस्टेंस के कारण। सो फर्दर फीटल हेड में क्या होगा, लेवेटर एनाई मसल से टकराने के बाद देयर विल बी फर्दर फ्लेक्शन और जो हेड है फीटस का वो फ्लेक्स करेगा। सो इट मींस पुश ऑफ लेवेटर एनाई मसल्स फर्दर कॉजेस द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन इन फीटल हेड। तो 3 स्टेप्स हमें क्लियर हो चुके हैं। 4th स्टेप विल बी द इंटरनल रोटेशन। इसका क्या मतलब होता है, जो लेवेटर एनाई मसल्स होती है उनकी जो अरेंजमेंट है दैट इज वो एक हैवोक की तरह होती है, मींस उनसे कुछ भी टच होता है, टकराता है तो वो अपने स्लोप के अकॉर्डिंग उस पार्ट की मूवमेंट कराती है। तो क्या मूवमेंट कराती है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। कोई भी पार्ट टच होगा तो ऑक्सीपुट टच हो रहा है तो उसमें ऑक्सीपुट की मूवमेंट कराएगी वो किसमें। अगर हम देखें कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी रहती है, हमने डिस्कस किया था दैट इज अपनी LOT लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अगर वहां पे उस टाइम पे ऑक्सीपुट है तो उसको किस में ले आती है, DOA में, मींस डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर डायरेक्शन में। कैसे ले आती है, ड्यू टू स्लोप ऑफ द लेवेटर एनाई मसल्स। क्या मूवमेंट कराएगी ऑक्सीपुट की, वो कराएगी डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड इनवर्ड और उसकी वजह से जो ऑक्सीपुट है वो डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा, बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मींस कितना मूवमेंट किया ऑक्सीपुट ने LOT से DOA में आने के लिए, दैट इज 90 डिग्री ऑफ द सर्कल, मींस 2/8 ऑफ द
सर्कल। टोटल अगर हम पेल्विस को 360 में डिवाइड करें तो दो बार वो मूव करके डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजिशन में आया है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। सो क्यों होता है ये? ड्यू टू स्लोप ऑफ लेवेटर एनआई मसल। किस स्टेशन पे हम इसको देखते हैं? एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन। कितना सर्कल इसने कवर किया? 2/8 ऑफ द सर्कल, और वी कैन से 90 डिग्री। द नेक्स्ट थिंग विल बी क्राउनिंग। जैसे जैसे फीटस का हेड वापस से नीचे आता है, मींस डिसेंड होता है, साथ के साथ अब वो कहाँ आ चुका है? सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ चुका है, डायरेक्ट ऑक्सीपुट। तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन आई तो वो क्या होगा, बाहर जो मदर का आउटलेट है वहां पे विजिबल होगा। कॉन्ट्रेक्शन आई, विजिबल हुआ फीटल हेड, जो मदर का आउटलेट है, कॉन्ट्रेक्शन गई मीन्स रिलैक्सेशन हुआ, वो वापस चला गया। बट एक टाइम आएगा जब तक मीन्स हेड ऑफ फीटस बिकम परमानेंटली विजिबल एट मैटरनल आउटलेट, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउनिंग। कि बेशक कॉन्ट्रेक्शन है या नहीं है, रिलैक्सेशन हो गई है, उस टाइम पे भी जो फीटल हेड है वो एक्सटर्नल आउटलेट पे विजिबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्राउनिंग। तो यही टाइम होता है एपिसोड में देने के लिए। ऑल्दो हर केस में एपिसोड में नहीं दी जाती, जिसमें इंडिकेटेड है टू प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर, उसमें हम देंगे प्राइमरी ग्रेविडी या और कोई इंडिकेशन है उस केस में। देन कम्स टू नेक्स्ट थिंग, जब क्राउनिंग हो चुकी है तो डिलीवरी होगी पहले हेड की। तो हेड ऑफ डिलीवरी होती है बाय मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन। हेड ऑफ डिलीवरी क्या होगी? बाय मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक हाथ से हेड की डिलीवरी की जाती है, दूसरे हाथ से पेरिनियल को सपोर्ट किया जाता है टू प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर। उसमें आजकल जो फॉलो होता है, दैट इज रिटजंस मैनेवर और मॉडिफाइड रिटजंस मैनेवर। उसमें क्या करते हैं कि एक हाथ से जो हेड को ऊपर से प्रेस करना है और एक हाथ से चिन की डिलीवरी करानी है, जिससे आराम से चिन की डिलीवरी हो जाए और जो डायमीटर एंगेज हो ऊपर वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक ही हो। सो रिटजंस मैनेवर भी फॉलो कर सकते हैं। और डिलीवरी कैसे होती है? वर्टेक्स अगर प्रेजेंटेशन थी तो बाय एक्सटेंशन, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन थी उस स्टेज में होगी बाय फ्लेक्शन। देन कम्स टू रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मींस अनट्विस्टिंग ऑफ नेक ऑफ बेबी। जब ये मूवमेंट हुई थी, ऑक्सीपुट 2/3 घूम के सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आया था, मींस लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर से डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में आया था, उस टाइम पे नेक में ट्विस्टिंग हो गई थी। तो जब हेड डिलीवर हो चुका है उस टाइम पे वापस से क्या रहेगा? रेस्टिट्यूशन, की जो नेक में ट्विस्ट हुआ था, बल पड़ गया था, वो वापस से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, अनट्विस्टिंग हो जाएगा नेक का। सो कितना होगा जो ऑक्सीपुट उस केस में मूव करेगा? वो मूव करेगा 1/8 ऑफ द सर्कल, और किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, देन कम्स लास्ट स्टेप, दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन से अब हेड डिलीवर हो चुका है, नेक की में जो ट्विस्ट हुआ था वो ओपन हो चुका है, अब शोल्डर्स की डिलीवरी होनी है। तो जब हेड LOT में था, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स में था, उस टाइम पे जो शोल्डर रहेंगे 90 डिग्री है हेड से, तो किसके अंदर रहेंगे? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर से घूम के उसको भी किस में आना है? DOA में, मींस डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, डायरेक्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आना है, और वी कैन से AP डायमीटर में आना है। तो उसके लिए क्या होगा? बाहर से तो एक्सटर्नल रोटेशन दिखेगी फीटस के हेड की, बट इंटरनली फीटस का शोल्डर मूव करके 1/8 ऑफ द सर्कल मूव करके वो आ जाएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे, और वी कैन से डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में। उसके बाद क्या रहेगा? हम एक्सटर्नल रोटेशन के बाद जो शोल्डर है उसकी डिलीवरी कराएंगे बाय लेटरल फ्लेक्शन, और पूरी बॉडी की भी बाकी डिलीवरी हो रही है मींस लेटरल फ्लेक्शन से, हेड की हो रही है एक्सटेंशन से इन केस ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन ब्रीच है अगर तो उस केस में रहेगी बाय फ्लेक्शन। फिर ऑक्सीपुट की किधर रहेगा ये एक्सटर्नल रोटेशन के बाद? सो ऑक्सीपुट विल फेसिंग द सेम पोजीशन एट इट वाज एट द टाइम ऑफ लेबर। क्यों? 1/2 यहाँ पे रोटेशन हो गई, 1/2 यहाँ हो गई, तो टोटल कितना होगा? 2/8, मींस वापस से ऑक्सीपुट किधर चला जाता है? LOT में, मींस अगर हम बाहर से भी हेड को देखे तो। और जो फेस रहेगा वो किधर रहेगा? फेस ऑफ बेबी इज फेसिंग टुवर्ड्स द मदर्स राइट थाई, और फेस किधर चला जाता है? मदर्स राइट थाई में। सो दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स, और वी कैन से 8 कार्डिनल मूवमेंट्स इन द फीटल हेड
टू एडजस्ट इन द मेटरनल पेल्विस एंड टू गेट डिलीवर. सो दिस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ लेबर. सो इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे डिलीवरी होती है फिटल हेड की. सो ये रहेगा बाय एक्सटेंशन इन केस ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और ब्रीच में रहेगा बाय फ्लेक्शन. कितना इंटरनल रोटेशन में फिटल हेड मूव करता है और ऑक्सीपुट कितना मूव करता है, दैट इज 2/8 ऑफ द सर्कल और 90 डिग्री. और इस टाइम पे एक्सटर्नल रोटेशन में जो शोल्डर करता है 1/8 ऑफ द सर्कल. सो आप इसके लिए निमोनिक भी बना सकते हो लाइक इसे एवरी डिसेंट फीमेल, इसको आप छोड़ सकते हो, केयर्स एक्सट्रीमली रिगार्डिंग एक्सटर्नल रोटेशन. कुछ भी मतलब आपको लगे तो स्टेप्स, अदरवाइज नो नीड टू क्रैम, दिस इज इजी, आप इसको आराम से याद रख सकते हो. सो आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल. अंटिल वी मीट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय.